हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड, और सबसे मेरा तो बहुत फेवरेट है ये, ठीक है। दैट इज़ नोन एज इंडियन पिनल कोड, बराबर। इंडियन पिनल कोड है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा, उतना सब्जेक्ट बोल दो या कोड बोल दो, कुछ भी बोल दो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, रिसेंट एग्जाम्पल्स लेंगे, रिसेंट जो न्यूज़पेपर में चीज़ें भी आई थी, हाईलाइट हुई थी कि भाई इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और वो भी जब वो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे ना तब। सो दैट सेक्शन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, रिसेंट एग्जाम्पल्स जो लाइव हुए हैं, मैं ए ने ऐसा किया, बी ने वैसा किया, सी ने वो किया, मैं जनरली वैसे एग्जाम्पल्स नहीं देता हूँ। हाँ, अगर सपोज जैसे नोट्स में वो एग्जाम्पल्स हैं तो वहाँ पे वैसा एग्जाम्पल आएगा, बट सपोज अगर कोई सेक्शन के ऊपर कोई रियल लाइफ बहुत वेल नोन इंसिडेंट हुआ है तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, सो दैट आपको समझेगा कि एग्जैक्टली चीज़ें हुई क्या है, बराबर। और आप चीज़ों को पढ़ाई के साथ कनेक्ट कर पाओगे तो आपको बहुत सब्जेक्ट ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पूरे इसमें टोटल 510 से भी ज़्यादा सेक्शंस हैं, हम एक एक सेक्शन को डिटेल में चेक करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे एक एक सेक्शन के ऊपर, बराबर। तो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से सुनना है। नोट्स आपको मिल जाएगी, नोट्स के सेक्शन में से आप ले सकते हो इसको, ठीक है। इसका पीडीएफ फाइल ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है, बराबर। तो ये सेम नोट्स जो आपको मैंने पीडीएफ फाइल दी है, मैं उसमें से ही पढ़ा रहा हूँ, सो दैट चीज़ें मैच हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंडियन पिनल कोड 1816 है क्या। देखो जब मैं एक बोलता हूँ ना एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो क्राइम, क्राइम मतलब अगर तुम्हारे, मैं तुमको एक वर्ड बोलता हूँ ना क्राइम, तो तुम्हारे दिमाग में मर्डर, चोरी, रेप, एक्सटॉर्शन, यही सब आता है, करेक्ट। अब ये सब चीज़ें आती है वो सही भी है, क्योंकि वही तो क्राइम होती है। लेकिन चलो मैं ऐसा बोलता हूँ कि किसी ने क्राइम किया, देन व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या? तो तुम बोलोगे उसको अरेस्ट करो, उसको पकड़ के जेल में डालो और उसको पेनल्टी दो, बराबर। ये तो सही है। देखो इंडियन पिनल कोड है ना, ये हमको काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें पता है, क्यों? हिंदी मूवीज़ एंड वेब सीरीज़। मैं आपको कुछ वेब सीरीज़ बताता हूँ और कुछ हिंदी मूवीज़ बताता हूँ जो आपको देखनी चाहिए। जैसे एक मूवी था सेक्शन 375, वो आपको देखना चाहिए। देन क्रिमिनल जस्टिस करके एक सीरीज़ थी, ठीक है, वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। देन नो वन किल जेसिका, वो भी आपको देखना चाहिए। देन एक मूवी था तलवार करके, वो मूवी आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी मूवीज, और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइम पेट्रोल, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ये तो तुमको देखना ही चाहिए, और नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत देख लो। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई होगा जिसने क्राइम पेट्रोल ना देखा हो यार, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये तो सब हमने बहुत देखा है। तो आधी चीज़ें तो हमको यही सिखा देता है, बराबर। आधी से ज़्यादा चीज़ अपने को तो यहाँ से ही समझ में आ गई। बस अभी देखो, जब मैं क्राइम बोलता हूँ ना, क्राइम मतलब क्या, किसी पर्सन ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, अब उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले तो क्राइम का होना चाहिए एक डेफिनेशन। क्राइम का क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्राइम का एक डेफिनेशन होना चाहिए। अगर मैं आज बोलता हूँ चोरी किया, तो चोरी होता क्या है? अगर समझो मैंने तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे घर में से कोई चीज़ तुम्हारे परमिशन के बिना उठा ली और अपनी जेब में डाल के मैं निकल लिया, ये चोरी है। लेकिन अगर तुमने वॉलंटरीली कोई चीज़ मुझे दे दी, फोर्स करके, अरे सर ले लो ना, सर ले लो ना, अरे ठीक है चल दे रहा है तो ले लेता हूँ, फिर कल तुम मेरे को आके ऐसा बोलोगे सर आपने चोरी किया, ये चोरी थोड़ी ना है। तो हर एक क्राइम की क्या होती है? एक डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन सबसे पहले पढ़नी पड़ती है। और चलो क्राइम अभी सब जो डेफिनेशन है, जो इंसिडेंट हुआ है वो डेफिनेशन के हिसाब से फिट बैठ गया, मतलब क्राइम हो गया। और अगर क्राइम हो गया तो फिर उसकी आती है पनिशमेंट। क्या आती है उसकी? पनिशमेंट आती है। तो अगर मैं बोलता हूं ना तुमने चोरी किया, तो सबसे पहले चोरी की डेफिनेशन तुम्हारे एक्टिविटी, जो तुमने कांड किया, वो क्या कांड डेफिनेशन में फिट बैठता है क्या?
सबसे पहले तो वो देखने का। अगर फिट बैठ गया तो चलो, मतलब तुमने क्राइम तो कर दिया ये तो फिक्स है, तो फिर अब देखेंगे हम उसकी पनिशमेंट क्या है। क्या देखेंगे कि अब उसकी पनिशमेंट क्या है, अब हमको वो देखना है। बराबर, बेसिक चीज समझी। तो यहाँ पे देखो, इंडियन पेनल कोड डिफाइंस वेरियस क्राइम्स। क्राइम डिफाइन करेगा, ये डिफाइन कर रहा है ना, लिखा है डिफाइन करता है ये क्राइम, ठीक है। और बाद में उसकी पेनल्टी भी डिस्क्राइब करता है जो इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन क्राइम की जब मैं बात करता हूँ ना, तो क्राइम में फिर दो चीज़ें आती है। मतलब इंडिया में क्राइम को डील करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक है आईपीसी जो हम पढ़ रहे हैं, इंडियन पिनल कोड, और एक है सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्राइम जब भी आया ना, ये दो चीज़ें साथ में आएगी। जैसे क्राइम हुआ, आईपीसी भी आएगा, पीछे पीछे सीआरपीसी भी चलेगा, दोनों साथ में आते हैं। तो क्यों दोनों साथ में आ रहे हैं और दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंस क्या है? देखो, आईपीसी क्या करता है, तो आईपीसी दो चीजें करता है, सुन लो। चलो फटाफट अभी मेरे साथ तुम भी बोलते जाना थोड़ा थोड़ा, बिकॉज ये कैसे है, थोड़े टेक्निकल चीजें भी है यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से और रिवाइज करते जाओ। तो देखो, क्राइम जब भी मैं बोलता हूँ, तो क्राइम में कितनी चीजें आ गई, तो क्राइम में दो चीजें आ गई, ठीक है। आईपीसी किस चीज में डील करता है? आईपीसी क्राइम डिफाइन करता है, क्राइम डिफाइन करता है, ध्यान से सुनो। आईपीसी क्राइम डिफाइन करता है और उसके बाद उसकी पनिशमेंट डिस्क्राइब करता है। तो आईपीसी खत्म हो गया इधर। आईपीसी दो चीज बताएगा कि भाई क्राइम इसका डेफिनेशन क्या है और क्राइम उसका पनिशमेंट क्या है, बस खत्म। आईपीसी ओवर। तो आईपीसी मोर देन 500 क्राइम्स, ठीक है, प्लस उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस, सब डिफाइन करता है, हर एक चीज डिफाइन करता है, और जो क्राइम है उस क्राइम की पनिशमेंट भी डिफाइन करता है। आईपीसी सब चीजें बताता है। बट व्हेन आई से कि सीआरपीसी क्या करता है फिर, तो सीआरपीसी का नाम फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मतलब होता है कि जब भी कोई क्राइम हो गया, ठीक है, उसके बाद काफी सारी चीजें होती है ना, जैसे पर्सन बेल के लिए अप्लाई करता है, तो बेल एप्लीकेशन, फिर पर्सन को समन इश्यू भी किया जाता है, ठीक है, कोर्ट में बुलाने के लिए, भाई इनविटेशन, आ जा कोर्ट में, तेरे को कुछ पूछना है, ठीक है। उसके बाद पर्सन का अरेस्ट वारंट भी होता है, पर्सन का अरेस्ट वारंट भी होता है। देन क्रिमिनल कोर्ट से, तो क्रिमिनल कोर्ट के पावर्स होते हैं ना, तो पावर्स ऑफ द कोर्ट, पावर्स ऑफ कोर्ट कि कौन सा कोर्ट कौन सी पेनल्टी दे सकता है। हर एक कोर्ट की अपनी एक लिमिट होती है, हर एक कोर्ट का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो उससे बियॉन्ड जाके पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो सीआरपीसी ये सारी चीजों को डिफाइन करता है। तो सीआरपीसी में प्रोसीजरल चीजें हैं, ठीक है, उसका नाम ही देखो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये सारी प्रोसीजर बताता है कि तुमको बेल एप्लीकेशन कैसे करनी है, तुम कोर्ट समन कैसे इश्यू करेगा, समन में क्या होगा, तुमको अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, पावर्स क्या है कोर्ट के, बराबर, देन प्रोक्लेमेशन कैसा होगा, अटैचमेंट क्या होता है, ये सारी प्रोसीजरल चीजें बताता है। इसके लिए इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिफाइंस क्राइम, डिफाइंस प्रोसीजर आफ्टर क्राइम, बराबर। तो क्राइम दो चीजें करेगा, मैं दो चीजों को साथ में लेके आएगा, आईपीसी सीआरपीसी। आईपीसी दो चीजें करता है, डेफिनेशन बताता है और उसकी पनिशमेंट बताता है। सीआरपीसी प्रोसीजरल चीजें बताता है, जो यहाँ पे मैंने लिखी है ये सारी प्रोसीजरल चीजें सीआरपीसी डिफाइन करता है, बताता है। ये क्लियर है? दिस इज बेसिक कंसेप्ट कि आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग सेक्शन पे जाते हैं। सबसे फर्स्ट आता है अपना सेक्शन नंबर वन। सेक्शन नंबर वन आता है एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड, दैट इज सेक्शन वन। दिस कोड इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। कहाँ एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूँ, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है तो कैसे, मतलब जैसे समझो, अगर तुम सोचते हो कि सर अगर मैं राजस्थान में इधर बैठ के क्राइम कर रहा हूँ तो क्या मुझ पे आईपीसी लगेगा क्या? यस, डेफिनेटली लगेगा। तुम सोचते हो कि सर अगर मैं इधर बैठ के क्राइम करता हूँ तो क्या मुझे आईपीसी लगेगा क्या? डेफिनेटली लगेगा। सर अगर मैं अंडमान निकोबार में बैठ के क्राइम कर रहा हूँ
तो क्या मुझ पे आईपीसी लगेगा क्या? यस, इट मींस तुम इंडिया के कोई भी कोने कोपचे में जाके बैठो, अगर वो इंडिया का डेफिनेशन है, इंडिया है वो, तो उधर आईपीसी लगेगा ही लगेगा। क्या बोला मैंने? अगर वो इंडिया है तो वहां पे आईपीसी लगेगा ही लगेगा, 100% फॉर श्योर, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। करेक्ट, बराबर। देखो ये फिलहाल हमने सेक्शन वन देखा। सेक्शन वन ये बोलते ना इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। आउट ऑफ इंडिया भी क्या होता है, वाटर एरियाज में क्या होता है, वो सब देखेंगे। बट अगर मैं इंडिया के मैप के हिसाब से देखूं, इंडिया की बॉर्डर के हिसाब से देखूं, जो इंडिया है उसके अंदर तो आईपीसी है। तुम चाहे कोई भी ये मैप में कोई भी जो कोपचा तुमको दिखे, विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तुम वहां पे बैठ के भी क्राइम करोगे तो भी तुम पे आईपीसी तो लग जाएगा। क्लियर, बेसिक चीज है वही है। ठीक है, चलो उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन आता है टू, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। देखो कोई भी पर्सन रहने दो, कोई भी, सबको अगर उन्होंने रॉन्गफुल एक्ट किया, आईपीसी के हिसाब से उन्होंने क्राइम किया, तो सबको क्या मिलेगा? सबको प्रसाद में मिलेगा पनिशमेंट। इट मींस अगर तुमने आईपीसी की डेफिनेशन के हिसाब से कोई रॉन्गफुल एक्ट कर लिया है, तो उसी चीज के अंदर, आईपीसी के अंदर जो पनिशमेंट भी लिखी है ना, वो पनिशमेंट भी तुमको मिलेगी। क्राइम किया तो साथ में पनिशमेंट तो आएगा ही आएगा। सो एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। बराबर, तो इंडिया के कहीं पे भी कॉर्नर में भी जाके क्राइम करो, आईपीसी विल बी एप्लीकेबल, और आईपीसी लगा तो उसकी पनिशमेंट भी लगेगी। ये दो चीज बताई गई है, एक चीज बताई सेक्शन वन के अंदर और एक चीज बताई गई है सेक्शन टू के अंदर। बेसिक कंसेप्ट क्लियर सबको? ठीक है,